कायर सारे भाग गए, दिलेर बचे हैं। कायर सारे भाग गए, दिलेर बचे हैं। गीदर मैदान छोड़ रहे हैं, सिर्फ शेर बचे हैं। कांग्रेस में ना तो कोई गया है और ज्यादा बड़ी तादाद में, ज्यादा मजबूती से, ज्यादा ताकत से हमारा कार्यकर्ता यहाँ पर खड़ा है। साथियों, हमारे मन से भी हमारे सभी कांग्रेस के साथियों ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले में 42 साल में जो कुछ भी हुआ है माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के कारण हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब जब जो जो घोषणाएं की, चाहे वो विधानसभा चुनाव में की हो, चाहे लोकसभा चुनाव में की हो, वो कभी पूरी नहीं की गई। यही सारी बातें कार्यकर्ताओं को बताई है कि आप अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जगह पर जाइए और कार्यकर्ताओं को सच्चाई बताइए। और माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, आदरणीय विधायक सुनील के और कांग्रेस का साथ दीजिए, यही बातें सब बताने के लिए आज यहाँ पर सब लोगों को आमंत्रित किया गया था। हमारे सम्मानित पत्रकार पालिका में मिला था 2600 से हारे, जनता उनको देखना पसंद नहीं करती, चिंता मत करो। हमने ये जो बरसात आई थी भैया, ये जो बरसात आई थी, ये जो ओले पड़े, इसमें फसल का नुकसान हुआ, इसका दुख है। और नकुलनाथ जी से ही समस्त विधायक ने मांग करी है कि इनका सर्वे होना चाहिए और इनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन एक शहर के अंदर अच्छा हुआ कि पूरी नालियां साफ हो गई है भैया, कांग्रेस की गंदगी पूरी साफ हो चुकी है। चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, तो ये आप सब लोगों को समझते हुए इनकी चिंता करे बगैर, रमेश भैया बगैर डरे फोन आए आंधे ने 19 तारीख तक आए, 20 तारीख तक तो सुनील आए और तुम आओ, कोई दूसरे आने वाले नहीं है। वही थे पट्टा भर अभी पहने, उन्होंने पट्टा भर डाले, अभी वही थे वो नगर पालिका में, वही थे जनपद में, वही थे जिला पंचायत में, वही थे और विधानसभा में भी वही थे। हम यही बात घनश्याम तिवारी जी और हम लोग कहते थे कि भैया आपने नहीं है, कमलनाथ जी को हम समझाते थे। कमलनाथ जी कहते थे सुनील तुम्हारा बहुत विरोध है, बोला हाँ भैया विरोध तो है, लेकिन मैं कहता था भैया ये अपने नहीं है, हम लोग कहते भैया ये अपने नहीं है, बोले कुछ भी बात करते हो, मेरे बहुत पुराने साथी मेरे लिए प्राण देने की बात करते तो दे दिए प्राण, उन्होंने तो प्राण देने की बात नहीं करते थे। कमलनाथ जी गलत सुनते थे, वो बोल रहे थे प्राण ले लेंगे, क्या ले लेंगे प्राण ले लेंगे, लेकिन इतने सैकड़ों कार्यकर्ता बैठे और मंच पे हमारे साथी बैठे हैं, इनके रहते जो प्राण लेने और देने वाले चले गए, किसी की हैसियत नहीं है कि कमलनाथ जी के दरवाजे के सामने अब खड़े भी हो जाए। इस बात